नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी, नेटवर्क 18 से जुड़े सभी पत्रकार बंधु, मैनेजमेंट से जुड़े लोग, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, नेटवर्क 18 के दर्शकगण और मेरे प्रिय साथियों, अभी कुछ देर पहले ही मुझे राष्ट्रीय समर स्मारक को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है और ये भी संयोग देखिए कि इसके ठीक बाद राइजिंग इंडिया समिट में एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर मिला रहा है जो मुझे ज़्यादा निकट है, मुझे अच्छा लगता है। मैं नेटवर्क 18 थीम को ये विषय बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज तय करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्र निर्माण की दिशा क्या हो, एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकता क्या हो, इस पर निरंतर मंथन बहुत ही आवश्यक है। अब जब मैं मीडिया के साथियों के बीच हूं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने आपका पसंदीदा तरीका ही अपनाऊंगा, यानी पहले क्या था और अब क्या है, और इसी से आपको भी साफ हो जाएगा कि पहले और अब क्या है। इसी से ये भी पता चलेगा कि राजनीति से अलग हटकर जब राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी जाती है तो किस तरह के परिणाम निकलते हैं। साथियों, वर्ष 2014 में और उसके पहले देश में स्थिति ये थी कि जो बढ़ना चाहिए था वो घट रहा था और जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे महंगाई का उदाहरण लीजिए, हम सबको पता है कि महंगाई दर नियंत्रण में रहनी चाहिए, लेकिन असलियत क्या थी? पिछली सरकार में जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे, यानी जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोल रही थी। आप सभी को, विशेषकर न्यूज रूम के प्रोड्यूसर्स को याद होगा कि महंगाई डायन खाए जात है आपको कितने बार अपने सोच में चलाना पड़ा था। साथियों, आपने तब खूब रिपोर्ट किया था कि महंगाई दर 10% का आंकड़ा भी पार कर गई थी, लेकिन आज हमारी सरकार में महंगाई दर गिर करके 2 से 4% के आसपास रह गई है। ये फर्क तब आता है जब राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, यही स्थिति इनकम टैक्स को लेकर के थी। मिडिल क्लास छूट के लिए निरंतर आवाज देता रहता था, लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की सीमा पहले 2.5 लाख रुपए तक, अब पहले की सरकार और अब की सरकार
पहले की प्राथमिकता और अब की प्राथमिकता का फर्क और स्पष्टता से समझ पाएंगे। आपको पता होगा कि अटल जी की सरकार ने वर्ष 2004 में यूपीए को 1% विकास दर वाली अर्थव्यवस्था सौंपी थी। जब अटल जी गए तब 1% ग्रोथ के साथ सुपुर्द करके गए थे। आज एक बार फिर जीडीपी ग्रोथ रेट को हमारी सरकार ने 7 से 8% के बीच पहुंचा दिया है। और मैंने तो देखा कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में 21वीं सदी की इतनी बातें हुई, इतनी ढोल पीटे गए थे। और मैंने एक बार एक कार्टून देखा था, किस अखबार का था वो तो याद नहीं रहा। आज एक बार फिर सरकार के दृढ़ निश्चय और 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम के बल पर भारत फ्रेजाइल 5 से निकल करके फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया है। साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी पिछली सरकार ने जाते जाते देश का नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये कांग्रेसी संस्कृति का ही परिणाम था कि साल 2011 से के 132वें नंबर से फिसलकर भारत की रैंकिंग 2014 में 142 तक चली गई, यानी 132 से 142 चली गई। आप सोचिए कि उस समय देश में बिजनेस का कैसा वातावरण बिना दिया गया था। इस रैंकिंग में सुधार करके देश को 77वें स्थान पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। साथियों, पिछली सरकार के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सीएजी हो, मीडिया हो, हर जगह सरकारी भ्रष्टाचार की फाइलें खुल रही थी। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक विरोध के लिए विपक्ष के हमारे साथ छद्म तरीके से कोर्ट जाते हैं और वहां से उनको फटकार लगती है और सरकार को एप्रिसिएशन मिल रहा है। सरकारी संस्कारों में ये सार्थक बदलाव बीते हमारी सरकार के दौरान आया है। भाइयों और बहनों, राजनीति से अलग हमारी सरकार की प्राथमिकताएं कैसे अलग रही, कैसे हम एक योजना से दूसरी योजना को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उससे सिस्टम कैसे स्मूथ और ट्रांसपेरेंट हो रही है, इसके एक और उदाहरण पर मैं आपको आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब हमने 4 साल पहले जनधन योजना शुरू की थी तो कितना मजाक उड़ाया गया। कुछ लोग कहते थे कि गरीबों का बैंक खाता खुलवाकर हमने कौन सा तीर मार लिया। ये डायलॉग याद होंगे आपको, अगर ये मीडिया वालों की पुरानी चीजें खोजोगे तो सब मिलेगा उसमें। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो बैंक में खाता खुलवाकर क्या करेगा। ऐसी ही मानसिकता की वजह से हमारे देश में आजादी के इतने वर्षों बाद भी आधे से ज्यादा लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। अब आज हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से देश में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले हैं। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में जितने खाते खुले करीब करीब उतने ही अकेले हिंदुस्तान में खुले। साथियों, जनधन अकाउंट खुलने के बाद हमने उन्हें
आधार नंबरों से जोड़ा, कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा अकाउंट मोबाइल नंबर से भी जुड़ जाए। अब उन्होंने खाते खोले नहीं, आधार की क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जब आधार का सदुपयोग हमने शुरू किया तो यही अदालतों में जाकर के आधार को अटकाने के लिए अड़ंगे डालते थे। अब मैं आगे जो बताऊंगा उसको अंदाज आएगा कि आखिर आधार से उनको तकलीफ क्या थी, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा था, क्यों अदालत में जाकर के आधार को रोकने के लिए दिन रात एक किए। इधर हम देश में जनधन खाते खोल रहे थे, उधर उन सरकारी योजनाओं को भी खंगाला जा रहा था जिसमें लाभार्थियों को पैसे दिए जाने का प्रावधान था। पहले ये पैसे कैसे मिलते थे, कौन बीच में उन्हें पहुंचा जाता था, मुझे किसी का वर्णन करने की जरूरत नहीं, आपको भली भांति पता है। भाई और बहनों, हम एक एक करके योजनाएं खंगालते गए और उन्हें जनधन खातों से जोड़ते गए। आज स्थिति यह है कि सरकार की 425 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहा है। हमारी सरकार के दौरान करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए, ये छोटा अमाउंट नहीं है जी, 6 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सीधे उन लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा करवाए हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पहले की तरह 100 में से सिर्फ 15 पैसे नहीं बल्कि पूरे 100 पैसे लाभार्थियों को मिल रहे हैं। सरकार के इन प्रभावों का भ्रष्टाचार और काले धन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। साथियों, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल को जोड़ने का नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक करके कागजों में दबे हुए फर्जी नाम सामने आने लगे। आप सोचिए, अगर आपके ग्रुप में या चैनल में 50 लोग ऐसे हो जिनकी हर महीने सैलरी जा रही हो, हकीकत में वो पैदा ही न हुए हो, तो आपकी चैनल का क्या होगा, आपके ग्रुप का क्या होगा। हमारे देश में ऐसा ही चल रहा था जी, जो पैदा नहीं हुए उनकी बेटी की शादी हो जाती थी, शादी होकर को विधवा हो जाती थी, विधवा होकर के हर महीना उसको पैसा भी जाता था, ये किसकी जेब में जाता था जी। अब यहां एचआर वाले लोग कहेंगे कि हमारे यहां ऐसा हो ही नहीं सकता, स्वाभाविक है। लेकिन साथियों, पहले की सरकारों ने देश में जो व्यवस्था बना रखी थी उसमें एक दो नहीं, ये आंकड़ा भी आपको चौंकाने वाला है जी, एक दो नहीं, 8 करोड़ ऐसे फर्जी नाम थे, 8 करोड़, जिनके नाम पर सरकारी लाभ ट्रांसफर किया जा रहा था। साथियों, सरकार के इस प्रयास से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम रुपए जो गलत हाथों में जा रहे थे वो बच रहे हैं। 1,10,000 करोड़ रुपया। और जब मैं ये कहता हूं कि 1,10,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं, तो ये भी सोचिए कि पहले यही पैसे और हर वर्ष आज दुनिया के सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम का मजबूत आधार बन रही है। अब आप समझ पाए होंगे कि आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चक्कर क्यों काटते थे। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए,
इतने बड़े बड़े वकीलों को क्यों रोका था? क्योंकि आधार का ऐसा उपयोग मोदी कर रहा है कि जिनकी जेब में 1,10,000 करोड़ जाता था उनकी दुकान को ताला लग रहा था। आज जिस आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के लगभग 50 करोड़ गरीबों को जो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, उसमें भी लीकेज की गुंजाइश करीब करीब जीरो करने की कोशिश है हमारी। इलाज का पूरा पैसा सीधे अस्पताल में अकाउंट में जाता है, जिसके लाभार्थी आधार नंबर से लेस हैं और उनका सिलेक्शन 2015 में जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ था उसको हमने आधार बना करके इसको आगे बढ़ाया है। करीब करीब हर वेलफेयर स्कीम के लिए हमने यही तरीका अपनाया है, यही मानक अपनाया है, जिससे बेईमानी और लीकेज दोनों पर लगाम लगी है। आपकी जानकारी में है कि कल ही हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की और मेरे लिए खुशी है कि कल देश के किसानों को एक बहुत, मेरे लिए वो जय किसान था। और आज देश की सेना के जवान जो 70 साल से एक नेशनल वॉर मेमोरियल का इंतजार कर रहे थे, आज का मेरा दिन जय जवान है। देश के लगभग 12 करोड़ किसान परिवारों को उनकी छोटी छोटी जरूरत पूरा करने के लिए, जैसे चारा खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, सरकार साल भर में लगभग 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करने जा रही है। इस योजना में भी लीकेज की संभावना जीरो है। अब सोचिए, किसी को चारा घोटाला करना हो तो कैसे कर पाएगा? क्योंकि अब तो सीधे मोबाइल पर मैसेज आता है, कच्ची पक्की पर्ची का तो सारा इंतजाम ही मोदी ने खत्म कर दिया है। और इसलिए ही तो ये जो मुझ पे जुल्म हो रहा है ना, पानी पी पी करके ठोकते रहते दिन रात, उसका कारण क्या है? ये सबकी दुकानें बंद हो गई है जी। पीड़ा ये नहीं है कि मोदी ने देश का नुकसान किया है, पीड़ा ये है कि 70 साल से जम करके बैठे हुए लोग जो मलाई खा रहे थे उनकी दुकानें बंद हुई है। ये दर्द इसका है। भाई और बहनों, जिस जिस के लिए मैंने लूट के रास्ते बंद किए हैं, वो मुझसे आजकल इतना स्नेह दिखा रहे हैं कि पूछिए मत। शायद दिन में 100 बार मुझे याद करते हैं। एक मंच पर इकट्ठा होकर इतनी गालियां शायद ही किसी को दी गई हो। साथियों, इनके लिए मोदी को गालियां देना प्राथमिकता है, मेरे लिए प्राथमिकता है कि देश का ईमानदार टैक्सपेयर जो इतनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके द्वारा सरकार को मिली एक एक पाई का सही इस्तेमाल हो। हमारे यहां किस तरह जनता के पैसे को जनता का न समझने की परंपरा अरसे तक हावी रही है, आप भी भली भांति जानते हैं। अगर ऐसा न होता तो सैकड़ों योजनाएं दशकों तक अधूरी न रहती, अटकती भटकती न कर रहती। और इसलिए हमारी सरकार योजनाओं में देरी को आपराधिक लापरवाही से कम नहीं मानती। मैं आपको सिर्फ 2-3 उदाहरण देता हूं कि पहले के दशकों में सिंचाई परियोजना है, बाण सागर उसका नाम है। यह योजना करीब करीब
चार दशक पहले शुरू हुए थे, 40 साल पहले, उस समय अनुमान लगाया गया था कि 300 करोड़ रुपए में इसका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ये लटकी रही अटकी रही, पता नहीं किसका इंटरेस्ट होगा। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद इस पर फिर से काम शुरू करवाया गया। अब तक इसकी लागत राशि बढ़कर 3000 करोड़ रुपए हो गई। ऐसे तो था नहीं कि पहले की सरकारों को कोई काम करने से रोक रहा था, मना कर रहा था। तब 300 करोड़ रुपए की तंगी भी हो, ये कोई गले उतरने वाली बात नहीं है। दरअसल काम समय से पूरा हो, इसकी भीतर से ही जग इच्छा शक्ति चाहिए, वेस्टेड इंटरेस्ट से परे सोच हो, उसका अभाव था। सोच यही थी, ठीक है देर होती है तो होती रहे, चलता है चलने दो, मेरा क्या नुकसान है। और हमारे देश में दुर्भाग्य के दो शब्द बड़े मैं हमेशा उल्लेख करता हूं। कौन दो शब्द है जिसने समस्या पैदा की है? हमारे देश में कोई भी काम लेकर के जाओ तो पहले पूछेगा मेरा क्या, और मेल नहीं बैठा तो कहेगा फिर मुझे क्या। ये मेरा क्या और मुझे क्या, उसी का ये हाल है जी। एक है और डैम की मैं बात बताता हूं, झारखंड में मंडल डैम, ये भी 4 दशक से अधूरी थी, और तब तो संयुक्त बिहार भी था, माझी जी बैठे हमारे यहां, तब तो संयुक्त बिहार था। जब इसकी शुरुआत की गई तो इसकी लागत थी सिर्फ 30 करोड़, और अब ये बांध करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च के पूरा करने की नौबत आई है। 30 करोड़ से 2400 करोड़, बताइए किसका पैसा है? यानी ये परियोजना लटकने की 80 गुना कीमत देश का ईमानदार करदाता चुका रहा है। भाइयों और बहनों, आप लोग घोटाले की खबरें सुनते थे तो अलर्ट हो जाते थे, अच्छी बात है, लेकिन देश में इस तरह की सैकड़ों परियोजनाओं में देरी की वजह से देश का जो लाखों करोड़ रुपए आप जैसे ईमानदार करदाता का जो पैसा लगातार बर्बाद हो रहा था, उसकी किसी से ने परवाह नहीं की थी। इस पैसे को सम्मान देना हमारी सरकार की प्राथमिकता थी, और इसलिए ही सरकारी व्यवस्था में लेट लतीफी की संस्कृति को बदलने का मैंने पहले दिन से प्रयास किया। मैं एक एक राज्य के मुख्य सचिव को लेकर के बैठा हूं, एक एक मंत्रालय के सचिव को लेकर के बैठा हूं कि कुछ भी हो लेकिन योजनाओं में देरी नहीं होनी चाहिए, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। साथियों, आपको हैरानी होगी, 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरानी योजनाओं की समीक्षा मैंने खुद की है, और उसको समस्याओं से बाहर निकाल करके आज धरती पर उतारने पर लगा हुआ हूं। साथियों, जितने भी प्रोजेक्ट्स की प्रगति के माध्यम से समीक्षा की गई उनमें से अधिकतर पूर्वी भारत के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये भी हमारी सरकार की प्राथमिकता का एक और बड़ा हिस्सा रहा है। पूर्वी भारत को नए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाना, सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन का ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आपने अनेक बार ये रिपोर्ट किया है कि कैसे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में दशकों बाद पहली बार रेल पहुंच रही है, पहली बार एयरपोर्ट बन रहे हैं, पहली बार बिजली पहुंच रही है। साथियों, हमारा पूरा प्रयास है कि समाज या देश का वो हर वर्ग
जो खुद को किसी न किसी वजह से उपेक्षित महसूस कर रहा था, उसके पास पहुंचा जाए, उसकी चिंता दूर करने का प्रयास किया जाए, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण का फैसला हो या फिर श्रमिकों के लिए पेंशन की ऐतिहासिक योजना हो, घुमंतु समुदाय के लोगों के लिए वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला हो या फिर देश के करोड़ों मछुआरों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की बात हो, हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर कोने तक विकास और विश्वास की रोशनी पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता ही न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास का कारण बन रही है। इस आत्मविश्वास के बीच मैं आपसे उस विषय पर भी बात करना चाहूंगा जो आपका बहुत फेवरेट विषय रहा है, और ये विषय है रोजगार। मुझे बताया गया है कि नेटवर्क 18 में साल 2014 के बाद से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है। राहुल जी, जानकारी सही है? नहीं बोलेंगे। खैर, हैरान मत होइए, मैं जवाब का सवाल बताने की कोशिश आपके साथियों को कर रहा था। संभव है कि बिना नौकरी को सृजित किए, बिना रोजगार को सृजित किए ये हो जाएगा? जरा सोचिए, जब देश में पहले की तुलना में कई गुना रफ्तार से सड़कें बनाने का काम चल रहा है, रेल मार्गों के विस्तार का काम हो रहा है, गरीबों के लिए लाखों मकान बनाने से लेकर नए पुल, नए बांध, नए हवाई अड्डे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे प्रोजेक्ट पर रिकॉर्ड कार्य हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, तो क्या यह संभव है कि इन सारी गतिविधियों से रोजगार पैदा नहीं हुए हो? आपने अपने आसपास के माहौल में डॉक्टर, सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियां, इसकी भी एक नई तस्वीर दिखाती है। कोई मुझे बता रहा था कि आपके फिल्म सिटी नोएडा में रह पहले जहां आधी से अधिक जगह खाली रह जाती थी, अब वहां गाड़ियों की पार्किंग की जगह भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पिछले 5 वर्षों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जबरदस्त बूम आया है। कॉमर्शियल वाहनों की ही बात करें तो पिछले साल ही भारत में लगभग 7.5 लाख गाड़ियां बिकी है। क्या यह मुमकिन है कि नौकरियों के बिना इतनी कॉमर्शियल गाड़ियां बिक रही है? अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को ही लीजिए, मैंने मीडिया में ही इससे जुड़ी एक से बढ़कर एक प्रेरित करने वाली कहानियां देखी है। इसमें से कई लाभार्थियों से तो मैं खुद मिला हूं, उनकी सफलता की कहानियां मैं खुद जानने का प्रयास किया है, किस प्रकार उन्होंने लोन लेकर अपना रोजगार शुरू किया और आज दर्जनों को रोजगार दे रहे हैं। साथियों, इस योजना के तहत 15 करोड़ से अधिक उद्यमियों को 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया गया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इनमें से 4 करोड़ से ज्यादा युवा उद्यमी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए पहली बार लोन लिया है। 4 करोड़ लोग। क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी संख्या में छोटे उद्यमियों को लोन दिया गया हो और उससे लोगों को रोजगार नहीं मिला हो? साथियों, रोजगार को लेकर सरकार को
ईपीएफओ से भी एक व्यापक जानकारी मिलती है। जहां तक ईपीएफओ का की बात है तो करोड़ों लोगों का पैसा कट रहा है, अंशदान जमा हो रहा है, तब जाकर के ये आंकड़े आते हैं। ऐसा नहीं है कि हजार दस हजार लोगों का सर्वे करके आंकड़े बताए जा रहे हैं। सितंबर 2017 से नवंबर 2018 के बीच हर महीने लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर्स ईपीएफओ से जुड़े हैं। इसी प्रकार एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी से हर महीने करीब 10 से 11 लाख सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। अगर हम इसे ईपीएफओ के आंकड़े से 50% ओवरलैप भी माने तो भी फॉर्मल वर्कफोर्स में हर महीने लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए हैं, यानी 1,20,00,000 नौकरियां प्रतिवर्ष। साथियों, बीते 4 वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब 45% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की कमाई भी बीते 4 वर्षों में 50% बढ़ गई है। इतना ही नहीं, भारत के एविएशन सेक्टर में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 10 करोड़ से अधिक लोगों ने हवाई सफर किया है। क्या इन सब से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए हैं क्या? इन आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि देश में हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और लोगों को रोजी रोटी मिली है। हो सकता है कि कईयों को मोदी की बात न मानना तय करके बैठे हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये भी तो याद रखिए कि पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि पिछले साल उसने 9 लाख नौकरियां सृजित की है और 2012 से 2016 तक 9 लाख नौकरियां दी है। ये पश्चिम बंगाल सरकार की बात है। आपको मोदी पसंद नहीं है, उनका तो मानो, वो भी तो हिंदुस्तान में ही है। कर्नाटक सरकार, हो सकता है जो मुझे अब नफरत करते उनको प्यार करते हो, कर्नाटक सरकार कहती है कि पिछले 5 साल में 53 लाख नौकरियां दी है। क्या यह संभव है कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में नौकरियों के अवसर बन रहे हैं लेकिन भारत में नहीं बन रहे हैं? मुझे मालूम है पत्रकार बंधु किसी को पूछेंगे नहीं। साथियों, रोजगार को लेकर मैं मानता हूं कि अभी भी देश में काफी कुछ करना है। हम ऐसा नहीं कहते सब कुछ हो गया है, हम ऐसी सोच वाले व्यक्ति नहीं है। अगर ऐसा सोच होती तो इतना दौड़ते क्यों? हम भी मौज कर लेते यार, प्रधानमंत्री बन गए, क्या है मौज करो, क्या कर रहा है। हम दौड़ इसलिए रहे हैं कि सब कुछ हो गया है ऐसा मानने वाले हम नहीं है और सब कुछ करने के लिए जी जान से जुटे रहेंगे, इस संकल्प के साथ लगे हुए हैं। ये बात सही है, बहुत कुछ करना है, लेकिन जिस दिशा में और जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जॉब्स को लेकर भी भारत पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर के उभरेगा। साथियों, न्यू इंडिया को बनाने में, सशक्त करने में मीडिया की आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। सरकार की सिस्टम की कमियों को उजागर करना आपका स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन देश में सकारात्मकता के माहौल को और सशक्त करना भी इस देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी है, चाहे वो राजनीति में हो, जुडिशरी में हो, या मीडिया में हो, या ब्यूरोक्रेसी में हो, या साधु महात्मा के रूप में काम करता हो, हम सबकी जिम्मेवारी है। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने अपनी सकारात्मक भूमिका को
जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए प्रयास किया है। समाज और व्यवस्था से जुड़े सुधारों के बारे में आपने पूरी ईमानदारी के साथ जन जागृति का काम किया है। मुझे विश्वास है कि न्यू इंडिया के राइज में आपकी ये भूमिका और सशक्त रहने वाली है और मजबूत होने वाली है। अंत में आप सभी को इस समिट के आयोजन के लिए और यहां पर मुझे फिर से एक बार आने का मौका देने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।